नमस्ते दोस्तों, ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा पुराना वाला होम थिएटर है जिसमें हमारे ब्लूटूथ सिस्टम नहीं होता था। तो इसमें ब्लूटूथ सिस्टम करने के लिए बहुत ही सिंपल से कनेक्शन होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं ये ब्लूटूथ चिप हैं जो हमें मार्केट में बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं। तो इसमें सारे कनेक्शन प्रिंटेड रहते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे एल आउट, ये लेफ्ट आउट है, और मिड वाला हमारे येलो कलर का जहाँ वायर लगा है ये हमारे ग्राउंड हो गया, और ये जो ऑरेंज कलर का वायर है वो हमारे राइट का आउट है। तो स्टीरियो में आउटपुट मिलता है आपको लेफ्ट राइट और ये मिड वाला ग्राउंड। तो ये तो हो गए हमारे आउटपुट के, जो कि हमारे ये मोबाइल से कनेक्ट होने के बाद यहाँ से हमें आउटपुट देता है, जिसकी आवाज़ आप यहाँ से अगर सुनना चाहें तो ईयरफोन लगाकर डायरेक्ट भी सुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इन्हें पावर देना पड़ेगा इस सर्किट को। तो ये VCC लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट पॉजिटिव देंगे और ये ग्राउंड है, यहाँ पर हम नेगेटिव देंगे। तो ये जैसा मैंने आपको बोला, अगर हम डायरेक्ट यहाँ ईयरफोन लगाएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो ये होम थिएटर सिर्फ इस आवाज़ को एम्पलीफाई करता है या बड़ा कर देता है, हम कह सकते हैं। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं वायर हैं जो आउटपुट के तीनों वायर वो हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ AUX, जो हमारे ऑक्स केबल के वायर कनेक्ट होते हैं उसके साथ में। तो जब भी हम इस कार्ड में रिमोट से जब ऑक्स मोड करेंगे तो हमारे ब्लूटूथ में जो कनेक्ट होगा वो चलेगा। और सप्लाई के लिए हम इसी कार्ड में जो सप्लाई जा रही है 5 वोल्ट, उसी के सेम टर्मिनल से सप्लाई ले लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये ग्राउंड है, तो ये हमारे रेड वाला, इसमें ये जो आप ब्राउन वाला वायर देख रहे हैं ये हमारे ग्राउंड, तो ये हमने ग्राउंड कर दिया ब्राउन। और ये रेड पॉजिटिव है, ये पीछे एक कैपेसिटर लगा हुआ है उसके टर्मिनल आप देख लेना पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके हिसाब से ये हमारे पॉजिटिव हैं। और ये जो ब्लैक लगा है ये हमारे नेगेटिव, और ये ब्राउन वाला नेगेटिव, ये सेम प्रिंट से हैं। ये प्रिंट जो आप देख पा रहे हैं PCB पर ये सेम से हैं। और ये इस तरफ हैं पॉजिटिव, वो हमारे इसके, ये आप देख पा रहे हैं ये ब्राउन वाला जो हमारे कार्ड में जा रहा है ब्राउन कलर का, उसके पॉजिटिव के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसे सप्लाई मिल रही है। और अभी हम इसे टेस्ट करेंगे, ये हमने कनेक्ट कर दिया है इस होम थिएटर के साथ में। तो ये अभी जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे FM ऑन है, तो हम इसका मोड चेंज कर लेते हैं। ये हमारे ऑक्स मोड में आ गया है, अब हम इसके साथ में मोबाइल कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पहले से कनेक्ट है, तो ये डिसकनेक्ट हो गया, हम फिर से इससे कनेक्ट करेंगे। अभी हम इसमें सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो इसकी हमने पीछे RCA कोड नहीं लगाई है, वायर ही कनेक्ट किए हैं ये जैसा आप देख पा रहे हैं। तो ये वायर थोड़े से लूज हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी होम थिएटर में ब्लूटूथ चिप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।